नमस्ते, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ अंशुल तलमले और आज क्रिकेट का दिलचस्प किस्सा लेकर आया हूं। आइल ऑफ मैन, ये इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आयरिश सागर में एक छोटा सा देश है जो ब्रिटिश राजशाही के अधीन आता है। अपने बीहड़ समुद्र तट, मध्यकालीन महल और ग्रामीण परिवेश के लिए पहचाना जाता है। अब तक इस देश की पहचान शायद ही कोई करता हो, जानता हो और इसके बारे में सुना हो, लेकिन अब वर्ल्ड क्रिकेट में ये नाम आपको तेजी से आते मिलेगा क्योंकि इस टीम के नाम, इस देश की क्रिकेट टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वो रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल में सबसे लोएस्ट टोटल का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस टीम के 10 बल्लेबाज 10 रन बनाने में ही खर्च हो गए, जिसमें 7 तो ऐसे थे जो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। 24 से 26 फरवरी के बीच 6 मैचों की T20 सीरीज होती है और आइल ऑफ मैन की टीम स्पेन जाती है, वहां पर यह होता है कांड। कितने रन पर सिमटी ये टीम मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इस मैच में क्या क्या हुआ और कौन कौन से दूसरे दिलचस्प रिकॉर्ड्स बने, चलिए आगे तफसील से जानते हैं। इस मैच में आइल ऑफ मैन की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 10 रन पर सिमट गई और यह मैंस T20 इंटरनेशनल के हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट टोटल भी है। जवाब में स्पेन ने सिर्फ 2 गेंदों में ही अपने इस टारगेट को हासिल कर लिया। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर छक्का और तीसरी गेंद, यानी एक और गेंद इसमें नो बॉल थी, यानी टोटल 13 रन हुए जिसमें 2 छक्के से और एक एक्स्ट्रा से। तो इस तरीके से बहुत आसानी से सिर्फ 8.4 ओवर में, जिस तरीके से पहले आइल ऑफ मैन की टीम सिमटी थी 10 रन पर, स्पेन ने उस पर पलटवार किया और मैच अपने नाम किया। इस मैच में हीरो रहे अतीफ महमूद, जिन्होंने स्पेन की ओर से 4 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद कामरान को 4 ओवर में सिर्फ 4 रन ही खर्च करने पड़े और बदले में उन्हें 4 विकेट भी मिले। जैसा मैंने पहले बताया कि 11 रन का बहुत आसान और बहुत छोटा लक्ष्य था, जिसे स्पेनिश टीम ने बड़े आसानी से ओएस अहमद के 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के के बूते अपने नाम किया। एक एक्स्ट्रा रन मिले नो बॉल से, इस वजह से बहुत बड़े मार्जिन से, यानी 118 गेंद पहले 10 विकेट से स्पेन की टीम को जीत हासिल हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले T20 में सबसे कम रन बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड तुर्की के नाम था। 4 साल पहले यानी 2019 में चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट तुर्की की टीम सिर्फ 21 रन पर सिमट गई थी। अब आइल ऑफ मैन की टीम ने अब तक जितने भी मैच खेले, यानी 16 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसका मिलाजुला प्रदर्शन है। 8 मैच में जीत तो 7 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन ये जो 10 रन की हार है ये उसे बहुत कचोटेगी और रिकॉर्ड बुक में तो शर्मनाक रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हो ही चुका है।